आज हम लोग बात करेंगे इस सिरप के बारे में, यानी कि इस सिरप से आप लोगों को बवासीर में, नकसीर में, रक्त पित्त में और मूत्र विकार में बहुत सारी परेशानियां जो हैं उनमें आपको आराम मिलेगा। अब इस सिरप का क्या नाम है? उशी रासव। ये बैद्यनाथ की है और आप मेरे पास बैद्यनाथ की है और आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये रक्त पित्त में, मूत्र विकार में, नकसीर में और बवासीर में लाभदायक होती है। अब मैं इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। पहली चीज तो ये है कि ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी जहां पर ये दवाइयां मिलती हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मेडिकल स्टोर पर ये नहीं मिलती है तब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके खरीद सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई और जानकारी क्या है कि ये कैसे लेनी है, किस समय लेनी है, अगर आपकी कोई और दवाई चल रही है तो क्या उसके साथ आप ले सकते हैं, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन कौन इसको नहीं ले सकता है और इसके नुकसान क्या हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊं। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि जब आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं और वो उन सारे ही सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगी। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि ये आपको मिलेगी कहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी या फिर आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, इसमें कंटेंट कौन कौन से हैं, इसमें जितने भी कंटेंट हैं वो सभी बिल्कुल ही आयुर्वेदिक हैं और आयुर्वेदिक चीजों का किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब ये किस काम आती है? ये रक्त पित्त यानी कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तब उस काम आती है। दूसरी चीज, अगर आपको यूरिन में इंफेक्शन हो गया है या फिर यूरिन रुक रुक के आता है या जलन होती है यूरिन पास आउट करने में, जब आप पेशाब जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है, तो उस समय इसका आप सेवन कर सकते हैं तो आपको काफी आराम मिल जाएगा। तीसरी चीज, नकसीर। नकसीर यानी कि जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको आपकी नाक से खून आने लगता है, तो जब अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये बवासीर में भी काफी आराम इससे मिलता है। बवासीर कोई से भी बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो या फिर मस्से वाली बवासीर हो या भगंदर हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, इससे आपको आराम मिलेगा। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये लेनी कैसे है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है इसको कैसे लेना है कि चाय के 3 से 6 चम्मच यानी कि 15 से 30 मिलीलीटर बराबर जल मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद, अन्यथा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि शुरुआत में आप 1 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है जिससे आप खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी चम्मच यूज करनी है, या टी स्पून और टेबल स्पून में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 1 चम्मच दवाई लेनी है और 1 चम्मच इसमें पानी मिला लेना है, या आप 2 चम्मच भी पानी मिला सकते हैं, इससे ज्यादा पानी ना मिलाएं। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा पानी मिलाएंगे तो इसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे कम अगर पानी मिलाएंगे तो आपको सीने में जलन होने लगेगी। असर कैसे दिखाई देगा आपको और कब दिखाई देगा इसका असर? इसका असर आपको 1 महीने में इसका असर दिखाई देने लग जाएगा, और 3 महीने अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा होगा और 3 महीने में आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को कब्ज की परेशानी है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तब भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। इससे आपको ना तो कब्ज बनेगी और ना ही आप लोगों को गैस बनेगी, तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर महिलाओं में बहुत ज्यादा वीकनेस है,
तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे लेनी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको ये बता देती हूँ कि किन किन को इसका प्रयोग नहीं करना है। एक तो अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको इसका प्रयोग नहीं करना है। प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होती हूँ तब आप इसका प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। तो इसलिए अब इसमें परहेज कौन कौन से हैं, इसमें परहेज, इसमें लिपाई का क्या मतलब है, खटाई का मतलब सिर्फ अमचूर से नहीं है, खटाई का मतलब इमली से भी है, खटाई का मतलब जो आप अचार यूज करते हैं उससे भी है, तो आप इनका प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। दूसरी चीज, तेल लिखा हुआ है तो तेल ये नहीं है कि आप लोगों को सरसों का या तिल का या इन चीजों का तेल बंद करना है। तेल से मतलब है रिफाइंड का यूज आपको नहीं करना है जब आप दवाई का यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज, वायवादी की कोई भी चीज आपको नहीं खानी है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, इनके परहेज करने हैं, और तली चिकनी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, और स्पाइसी यानी कि आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना, इसकी जगह आप हरी मिर्च। तो इस तरह से आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ब्रेन से संबंधित परेशानी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चीजें रख करके भूल जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या नींद नहीं आती है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है उशी रासव, तो ये आपको बड़ी ही आसानी से आपके मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। आखिरी सवाल ये है इसमें कि क्या और दवाइयों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जी हाँ, और दवाइयों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस जब आप कोई और दवाई लें उसके बीच में और इस दवाई के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर जरूर रखें। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दवाई को लेने के तुरंत बाद गुड़ का प्रयोग ना करें। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं लेकिन दवाई लेने के बाद गुड़ ना खाएं। शुगर के पेशेंट इसका प्रयोग ना करें, और जो बीपी के पेशेंट हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उनको लो बीपी की परेशानी हो या फिर हाई बीपी की परेशानी हो। और जानकारी भी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि परेशान हैं इन सारे परेशानियों से। थैंक यू।